हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्र का महीना बीता है, अभी आज 31 मार्च है। समय इस समय 11 बज रहा है और कल से हमारे यहाँ मौसम का मिजाज फिर से बदला है। कल दोपहर से फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल रात में थोड़ी बारिश हुई है, आज सुबह में भी बारिश हुई है। और इस समय देखिए, हम अपने गार्डन का कुछ व्यू दिखा रहे हैं। तो देखिए आप लोग, हम अपने गार्डन का व्यू दिखा रहे हैं। ये देखिए, पत्थर चट्टा का प्लांट मैंने लगा रखा है। ये बहुत रोगों में काम आती हैं। किसी के किडनी में पत्थर हो, स्टोन हो, तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। और ये देखिए, रात की रानी है, इसमें भी कली आ रहा है। और देखिए इस तरह से इस समय मेरे गार्डन का व्यू है। इस समय बहुत तेज़ हवा चल रही है और हल्के हल्के धूप के साथ तेज़ तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस समय हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे तो मैं यूपी से हूँ, यूपी वाराणसी के पास एक छोटा सा सिटी है भदोही, जो कि कारपेट सिटी के नाम से फेमस है, और मैं यहीं से हूँ। और देखिए इस समय मेरे गार्डन में कितना ढेर सारा फूल आया है। ये टिकुमा का प्लांट फूल है। और ये देखिए, करी पत्ता का इसमें सीड आया है, फूल इसमें आया है, फिर इसमें सीड आएगा। देखिए, और ये टिकुमा का फूल है, ओलियंडर का। ये देखिए, एक जोड़ा में भी फूल आ रहा है। फिर से देखिए गुड़हल का, कितना गुड़हल का ढेर सारा फूल आया है। और तितलियाँ देखिए मेरे गार्डन में, कितना तितलियाँ मंडरा रही, कितनी प्यारी तितली है। देखिए इसको तो मैं कैप्चर करूँगी आज। देखिए है ना, रुक जाओ रुक जाओ, बैठो, मैं तेरी फोटो लूँगी। देखिए कितना बढ़िया फूल आया है। गुड़हल का तो बहुत फूल मेरे हाथ तक खिलता है। और इस समय तो नवरात्र का आज दशमी है, अब आज आखिरी दिन है। देखिए फूल तो ऐसा डेली काम आता है पूजा में। लेंडर का एक और यहाँ प्लांट है। और देखिए मैंने कुछ सब्जियाँ लगा रखी है, ये देख रहे हैं लौकी है। अब इसको थोड़ा रस्सी बांध के चढ़ाना है इस जाली पे, अभी मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और ये करेले का पौधा है, और ये बीन्स का है। देखिए बीन्स दो ठो पड़ा भी है। देखिए साल तो मेरे यहाँ आम में बाउर आया ही नहीं, बंदर मेरा आम के पूरा पत्ता ही तोड़ डालता था, तो कहाँ से इसमें बाउर आएगा। बंदर का तो आतंक मचा रहता है। देखिए तीन तीन प्लांट है आम का। पिछले साल तो बहुत अच्छा आम आया था, लेकिन इस साल तो आम आया ही नहीं। अभी गार्डन में मेरा कुछ काम हो नहीं पा रहा। देखिए ये अमरूद का पेड़ है, इसमें तो कलियां बहुत आई हैं। देखिए कितना फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और ये मुसब्बी का पेड़ है, पता नहीं ये तो इसमें कीड़ा लगा हुआ, इसमें भी दवाई डालना है। और देखिए ये चीकू का पौधा मैंने लगाया है, और देखिए इसमें चीकू शायद आ रहा है, छोटा छोटा सा है। देखिए एक आम का पौधा यहाँ भी है, इसमें भी नहीं है, पूरा बंदर पत्ता नोच डालता है इसका, क्या इसमें फल आएगा। ये एडेनियम का पौधा है, और देखिए इसमें सीड आया था, पूरा सीड बिखर के, पूरा सीड बिखर गया था, तो इसको हम समेट के रखे, अभी ग्रो करना है। टिकुमा का प्लांट है,
पांचवे फ्लोर पे हूँ। पांचवे फ्लोर पे मेरा ये टेरेस है और देखिए मेरे शहर का भी पूरा एकदम घना शहर है मेरा। और देखिए इधर साइड मंदिर है मेरे मकान के जस्ट नॉर्थ साइड में मंदिर है शीतला माता का। और इधर साउथ में देखिए मस्जिद है। देखिए देख रहे हैं ना मेरे शहर का कुछ व्यू। बहुत ऊँचे ऊँचे मकान है, बहुत घनी आबादी है। मैं मेन मार्केट भदोही सिटी के मेन मार्केट में मेरा बिल्डिंग है। और देखिए हमसे बहुत लोग सीख रहे हैं गार्डनिंग करने के लिए और हमसे देख के हमारा देख के सब लोग का शौक हो रहा है कि हम भी करें गार्डनिंग। यहाँ कारपेट सिटी होने के कारण यहाँ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो पेड़ पौधा कुछ लगाया जाए ताकि कुछ पॉल्यूशन को दूर किया जाए। तो इसीलिए ना हमने ढेर सारा प्लांट लगा रखा है। बाय बाय, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में।